हेलो, हाँ जी, कितने बजे तेरा फ्लाइट? 8:20 से। आपको कितने बजे? सेम 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 टाइम, एयर इंडिया ना? हाँ, निकल रहा हूँ बस। ओके ओके, सी यू। ओके बाय। चलो बाय। आई हैव नेवर गॉन टू पटना। जाकिर ने रैंडमली फोन किया और बोला कि पटना चले। मैं बोला ठीक है, चलते। सो नाउ वी आर गोइंग टू पटना। इट्स लाइक 5 मिनट्स लेफ्ट, ही स्टिल नॉट हियर एंड आई एम स्लीपी। ये कोई टाइम है? सोने थोड़ी आते हैं यहाँ। कुछ तो शर्म कर। कैंडी क्रश, कैंडी क्रश। अरे तो पबजी थोड़ी खेल सकते हैं। खान साहब, हमने सुना है आज आपने मेरे ब्लॉग के लिए स्पेशली नहा धो के आए आप। ये मेरा फ्रेश लुक। ये मेरे ब्लॉग के लिए स्पेशली? अच्छा, थैंक यू सर, आई फील वेरी प्रिविलेज्ड। यू आर गिविंग मी योर मोस्ट हाइजीनिक सेल्फ। यस सर, बेस्ट बेस्ट। थैंक यू सर। क्या लग रहे हो? साक्षी, 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 सब अपने लोग इधर हैं। देख रहे हो आप? ये बिल्कुल मोदी जी जैसे लग रहे हो। ऐसे जा रहे होते ना मोदी जी, हाय करते। हाँ अंकुर भैया, पता है एयरपोर्ट पे सबने रोक दिया जाकिर भैया को। जाकिर भैया के साथ 10 लोगों ने सेल्फी खींच ली, उसी बहाने हम भी घुस गए 2-3 सेल्फी में। मजा ही आ गया। ये हमारे साथ चल रहा है, पुलिस का बंदोबस्त। पुलिस का बंदोबस्त हमारे साथ है। हाँ जी सर। ऐसा क्या कर दिया आपने जाकिर भैया? बस प्यार है लोगों का। अच्छा, भी प्यार करते हैं। अच्छा अच्छा, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है जाकिर भाई। हम तो प्यार ही करते हैं। अच्छा अच्छा। Hey, it looks like I've seen this guy somewhere, no? कौन है ये? अरे ठीक है यार। He's looked far more good looking on the hoarding, no? हाँ यार dude। सब ये कैमरा का कमाल। यहाँ पर कैमरा खराब। स्किन में कोई हुसन में कोई कमी नहीं। गरीब कैमरा। आपका मोटरोला चलाते हैं। अच्छा। नहीं सर, वो होर्डिंग पे आपकी पर्सनैलिटी नहीं दिखती ना सर। फिर तो मेरे ख्याल से होर्डिंग जस्टिफाई। अच्छा। तैयार नहीं हुआ? नहीं अभी नहीं बॉक्सर में। लेट हो गए। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो बस वही है। ये जो बगल में हमारे इंसान बैठे हैं जी, ये मतलब अगर मान लीजिए हाँ अमित शाह जी से कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा। सौरभ अभी को फोन करते हैं कि यार बस ये कैसे हो? हाँ। सौरभ कहते हैं यार तुमको तो कितना सिखाना पड़ेगा। एंड ऑल बी ऑल है एंड ऑल। ये हमारे कर्ता धर्ता सर्वे सर्वा। करेक्ट। तुमने ये पहली बारी बात माने हमारी यहाँ? पोजीशनें बदल गई हैं भाई। मैं एक तो मैं ऐसे काम भी नहीं करता। ये या तो पटना का जादू है या ये तन्मय भट्ट का जादू। हाँ सर, काम भी नहीं करता मैं, बात माननी पड़ जाए। ये लुक ऑफ द डे है, अमेजिंग। टच कर सकता हूँ? यस प्लीज। ओके ऑफ जस्ट ओह Amazing. Oh. तो ये जैकेट जो है ये कूल बहुत है, पर काम का बिल्कुल। अच्छा। स्टेज पे उतनी सर्दी होती है। हाँ। पर ये एंट्री के टाइम पे बड़ा सही लगता है। हाँ। तो इसका इलाज ये है कि जितनी देर पहन पाओ उतनी देर पहन पाओ। हाँ। तो भी अच्छा लगता है जनता को कि अरे भाई अच्छे लग रहे हैं, है ना? अपने लोग तो प्यार ही करते हैं। कोई कोई आर्टिस्ट होते हैं जिनके साथ कुछ ऐसा होता है, उनके फैन नाराज हो जाते हैं कि भाई तेरे साथ अच्छा क्यों हो गया। हाँ, ये मेरे खिलाफ टॉन्ट मारने की जरूरत नहीं थी आपको। नहीं भाई, अच्छा। फिर उसके बाद जब गर्मी लगने लग जाए तो जैकेट उतार दो, तो वो भी एक मोमेंट हो जाता है। हाँ। ना आई लव यू ऑल। अपने लोग खुश रहते हैं भाई, अपन भी बहुत मेहनत करते हैं, वो लोग भी बहुत प्यार करते हैं, तो ऐसे रिलेशन हमारा मेंटेन है। इस जैकेट की वजह से, इस जैकेट भी उसमें। दिस इज नॉट अ जैकेट, दिस इज अ वे टू कनेक्ट विद पीपल। क्या बोलते हैं इसे? टूशे। टूशे। हाय बोलो, हाय बोलो। व्हाट्सअप? ऑलरेडी उतर रहा है? ए अभी तो मतलब। अच्छा, चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। जाकिर जी, बताओ आपके ग्रीन रूम, आपके राइडर में क्या क्या है सर? बताओ। तो मेरे राइडर में सर एक बहुत जरूरी चीज है। हाँ जी, ये मैं और बिरयानी, एक सुबह का नाश्ता, चाहे शो के पहले लाइट ईटिंग।
सब में एक ही मेन्यू है जिसका नाम है बिरयानी। सर मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे रेड बुल है लेकिन आपका रेड बुल तो बिरयानी है, डबल डबल रेड बुल क्यों? सर मैं रेड बुल पीता नहीं सर, ये मेहमानों के लिए। अच्छा अच्छा, आप आ गए यहाँ, जैसे हमारे दोस्त आए हैं निहाल भाई, देखिए यहाँ पे सर, आपके लिए रेड बुल, इनके लिए बिरयानी। देखो बात यह है कि 6 बजे का शो है और अब हो गए हैं 7:15 और सब देखने आए जाकिर को, लेकिन फायरिंग लाइन में पहले जा रहा हूँ मैं 1 घंटे शो के डिले के बाद, तो ऑल द बेस्ट टू मी। ओवर टू यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस ऑन पटना। क्या हाल है पटना? क्या होता है आफ्टर पार्टी में, क्या करते हैं हम? गाने सुनते हैं पंजाबी, हाँ सोचते हैं जिंदगी में क्या सही क्या क्या गलत क्या क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, क्या कर सकते हैं कि नस काट लें कि जिए थोड़ा कल भी सुबह उठे, ये इस तरह के एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस चला रहता है। अच्छा आप भी सुनते हो पंजाबी गाने? मेरा पूरा प्लेलिस्ट पंजाबी है, मैं खुद पूरा पंजाबी। खून में पंजाबी है कि शराब है? ड्रग्स विद जाकिर खान है सर, ऐसे रखें ये करें टाइटल, सेक्सुअल एस्केपेड्स विद जाकिर खान। नहीं नहीं, ज्यादा हो गया। ड्रग्स में भी आप देखोगे तो उन्हें चला है कि ये तो झूठी बात है, सेक्सुअल एस्केपेड हो जाएगा यार, ये झूठ बोलने की कोई हद है? इनको सही बोल रहा है? मुझे एक जो बात सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है पूरी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में, कि दे आर अ नॉन बॉलीवुड इंडस्ट्री, एंड इट्स द ओनली इंडस्ट्री व्हिच हैज रॉक स्टार्स। अच्छा, अ कूल रॉक स्टार्स। ऐसा नहीं कि रीजनल है तो कूल, कूल भी है, रॉक स्टार भी है, और चार चवन्नी घोड़े पे और बॉलीवुड मेरे, मतलब बॉलीवुड लुक्स अप टू देयर म्यूजिक, उनके गाने रिलीज होने से पहले खरीद लिए जाते हैं, तो इस तरह का उन्होंने अपना वैल्यू हाई क्रिएट किया। तो रिस्पेक्ट बोथ एज आर्टिस्ट एंड आल्सो एज बिजनेसमैन आल्सो, बिजनेसमैन आल्सो एज आर्टिस्ट आल्सो, और सब लोग बहुत लेवल है थे, उनका मैनेजमेंट सॉफ्ट है, उनके मैनेजमेंट के भी बहुत लोग मेरे दोस्त है ना, तो मतलब जितना एक आर्टिस्ट इंडस्ट्री में जितनी मैच्योरिटी हो सकती है उसके कंपैरिजन में उनकी लर्निंग्स बहुत बेटर है। ये होता है पंजाबी गानों में कि कुछ भी ट्रेंडिंग जो पहले होता है ना पंजाबी गानों में पहले आता है वो, मतलब बॉलीवुड में तो एंड में आता है ये, पर सबसे पहले जब ट्रेंड खत्म हो जाता है तब उसके बाद एक्नॉलेज करते हैं। बॉलीवुड बहुत हाई हो जाए तो वो जिन लोगों को, जैसे मान लो रीजनल आर्टिस्ट में भी जिनको पेट्रोनाइज करें ना, वो सब फॉलन स्टार्स है, उनका साइकिल कंप्लीट हो गया तो वो खुद बेचारे रेलेवेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तब बॉलीवुड कहते हैं तुम बड़े चल रहे हो। मुझे जो फोन आते हैं बॉलीवुड से भी, ठीक है, तो वो इन कॉन्टेक्स्ट 2016 आते हैं, तुम वो जिसका वीडियो अभी वायरल हो रहा है, हमारे जो चंडीगढ़ की शो हुई थी तब सारे जो स्पीड रिकॉर्ड्स और बाकी जो सारे आर्टिस्ट के साथ जब पार्टी हुई थी उस रात को मैंने जाना कि जानी, मुझे पता नहीं था कि जानी लिरिसिस्ट का, मुझे लगा ये वर्ड बस यूज हो रहा है गाने में, बोला हर गाने में जानी कैसे यूज हो रहा है, फिर पता चला भैंसो ये तो वो वाला है कि एक्नॉलेज द राइटर इन द आर्ट, इन द आर्ट, वो सबसे तो यूजुअली जो पोएट्री में है, आप गजलों में आप देखेंगे तो जो राइटर का नाम है वो लास्ट स्टाइल गाने की, पंजाबी राइटिंग की सबसे खूबसूरत बात है कि फर्स्ट स्टाइल गाने में यूज होता है। पोएट्री की सबसे खास बात है ना कि वो बात, वो जो इंग्लिश पोएट्री में जो बात है ना, समवन लाइक यू जो एडेल का गाना है, नेवर माइंड आई विल फाइंड समवन लाइक यू, नेवर माइंड की ओ आई हर्ड दैट यू मैरिड नाउ फाउंड अ गर्ल सेटल डाउन, I hate to turn out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, but I couldn't stay away, I couldn't fight it out. ye kitna aise, it's like somebody's talking yeah na? conversational hai gaane, ye wali baat nahi, is tarah ki baatein jo hai wo punjabi lyrics mein nikal ke aati, wo language ki beauty uski ki wo aisi baatein simple baatein hota hai, jaise abhi jo gaana hai filhal ki kuch aisa kar kamal ki tera ho jao, main kisi aur kahun filhal ki tera ho jao, ab kya hai ki aap dekhiye ki sari simple writing jitni hai punjab ke writers mein, sahir sahib sahir ne बहुत मशहूर शायर, अब उनका भी कितना सिंपल सिंपल लिखा हुआ, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना, बात निकली तो हर एक बात पे रोना, कौन रोता है किसी और के खाते रहते, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना, और हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको,
ये सिंपल राइटिंग जो है वो आप जब ट्रांसलेट भी करते हैं तो बहुत अच्छा ट्रांसलेट, और हिंदी में लिखने जाएंगे तो पता नहीं इतना ट्रांसलेट, क्योंकि पंजाब के राइटर्स को ये सुपर पावर तो बहुत सिंपल इमोशन बहुत अच्छे, जैसे कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तेरे बिना नहीं लगता जी, सिंपल बात है, मैं कैसे बताऊँ तेरे बिना नहीं लगता। ये तो मशहूर पंजाबी सिंगर आलिया भट्ट का गाना है ना ये सुना मैंने ये गाना, वो कौन सा गाना है यार जो हम लोग चंडीगढ़ में गाते थे, जानी 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 वाला बीच में आता है, हाँ जानी 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 जानी, हाँ एपिक एपिक था होगा, निकले करें तो तेरे यार गाना इतना ज्यादा सुपर हिट हुआ है कि नेहा और जस्सी भी थक गए, इतना चला है वो गाना कि वो दूसरा गाना रिलीज कैसे करें वो जब ये चले ही जा रहा है, पंजाबी गाना बनता भले चंडीगढ़ में है तो ये मुझे ये सब बातें उस म्यूजिक उस इंडस्ट्री के बारे में बड़ी कमाल, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें, हम लोग पार्टी करते स्टेयर्स पे याद है तो सब आ गए, गिटार निकल गई, बस गाने पे गाने बज रहे और ऐसे देयर वाज अ सेंस ऑफ एक्साइटमेंट कि भाई ये वाला सुनो ये वाला सुनो ऐसा था, उनका उनके काम को लेकर वो दूसरा सा ये भी बात है कि हमसे जो उनका रिश्ता है वो बड़ा बराबरी का, बहुत सारा प्यार जो है वो सालों की दोस्ती से डेवलप हुआ, थोड़ी बहुत इज्जत जो है आपस में हम लोग एक दूसरे की करते हैं कि मैं अपना कोई काम करता हूँ तो मैं चुप चुप ठीक लग रहा है, इसी उसी का एक्सचेंज ये है जब वो अपना कोई काम, इट्स वेरी फैमिलियल इट्स वेरी नाइस, आई रियली एवरी पंजाबी क्लीशे कि भाई मजे करते तो दिल खोल के मजे करते, हाँ, काम प्यार करते दिल खोल के प्यार करते, काम करते दिल खोल के काम करते, ये मुझे इन लोगों से मिलता है बड़ा स्वाद है, मतलब चीज कॉमेडी इंडस्ट्री में ऐसे क्यों होता है, कॉमेडी में ऐसा नहीं होता तो ये वीडियो में मैं नहीं होता आप आ सकते हैं मुंबई ये आपने बोला था मुझे 2015 मेरे को आशीष ने बोला था आशीष ना वहाँ पे राघव बैठा साइड में आशीष ने बोल रहे बेस्ट कॉमेडियंस फ्रॉम बॉम्बे, तो मैंने पॉलिटिकल था बट बेस्ट कॉमेडियंस ऑफ दिल्ली आर आल्सो हियर, ज्यादा लाइक राघव इज हियर। Does this look like the face of someone? कैसे दिखाऊं मैं चेहरा? Someone's face. खान साहब, ये सुबह सुबह चाइनीज खाना? अपना स्टाइल है। क्या स्टाइल है इसमें? रेड वाला स्टाइल। पकोड़े और ये आलू की सब्जी और चाइनीज, ये हो क्या रहा है? पर ये क्या है? कलर इंटरेस्टिंग लगा था मुझे, कलर इंटरेस्टिंग, कोई आप लोग रोटी को लोटी और पानी को मम्मम तो कहते हो नहीं आप चाइनीज खाओ वो भी ब्रेकफास्ट में। अंकुर ये क्या है? दीज आर वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट। आप भी चाइनीज की नहीं खाते इनकी तरह? नहीं सर, थोड़ा ना अलग करने का मेरा मन है, हेल्दी रूट। अच्छा ये अलग है, ये अलग नहीं है, ये बहुत अलग है, मैं सिर्फ अलग में हूँ। बच्चे को बाय बोलो। बोला मैंने, बोला। अच्छा ओके। सर भाई गॉगल्स पहन दो आप। मैं यार गॉगल्स पहनने चल नहीं सकता। हाँ वो पहनना पड़ता है ना, वो बहुत लोग पहचानते हैं ना इन्हें। बॉन्ड है, बॉन्ड है, इससे फर्क पड़ने लग जाता है अगर। तब पूरी एंट्री क्लियर होगी तब फिर उसके बाद बताने लगूंगा। देख रहे आप दो लड़के खड़े हैं। हाँ इंतजाम बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए आप बस अड्डा जो है, कौन आ रहा है? शाहरुख खान आ रहे हैं? शाहरुख खान तो नहीं आ रहे हैं, जाकिर खान को ही बता रहे हैं। अच्छा कौन है जाकिर खान? असौड़ है। अच्छा अरे बिल्कुल आपके साथ ना कीजिए भैया, अच्छा बोल रहा। क्या हुआ है खान साहब? कुछ नहीं है, इंडिगो वाले जो छोड़ के भगने में एक नंबर होते हैं और लेके जाने में सबसे लुल है। इनके 5 मिनट भी अगर तुम इनके टाइम पे नहीं पहुंचो ना छोड़ के भग जाते हैं। हाँ। अब जो ये लोग डिले हुए हैं आधा घंटा, ये उसकी तो कोई अपॉलॉजी नहीं। अच्छा ये मुझे समझ में आता, प्लेन वाले ना बोलते जैसे कि वो जो है प्लेन जो है सामने से लेट आया सर, वहाँ से भी स्पाइस जेट थोड़ी चला रही थी। करेक्ट, बॉम्बे से दिल्ली स्पाइस जेट वाली फ्लाइट थी। सर अभी हम स्टिकर लगा रहे हैं, बस स्टिकर लगा रहे हैं इंडिगो का। दो दिन आप क्या बैठ नहीं रहे हो? मैं कितना बैठूंगा भाई, अभी 2.5 घंटे की फ्लाइट, उसमें आधा घंटा डिले, अब खड़े होकर ही। Someone should report the atrocities that are going yes, on. Yes, this should be documented. This should be documented. And given the right, given to right authorities. Authorities, yes. Aaj shaam ko 5 baje, Azad Maidan mein protest hai, Indigo ke khilaf. Hum leke rahenge.
कैसा रहा शो? मस्त रहा, बढ़िया रहा। अच्छा क्या? बहुत अच्छा रहा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ। मुझे इतना सारा इतना वक्त बिताने का। मुझे भी अच्छा लगा सर। आई थिंक आप फनी हो। आई थिंक अगर आप ऐसे ही कोशिश करते रहोगे ना जी, तो आप बहुत दूर जाओगे लाइफ में। यू नो, आप एक दिन आप वायरल जाओगे, एक दिन आप यू नो बहुत बड़े कॉमेडियन बनोगे। ऐसे ही आपने मुझे मेरे ख्याल से 26 दिसंबर 2015 की रात को बिठाया। हाँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ। और चाहे आप जितने बड़े बन जाए, मैं हमेशा यही कहूंगा कि जस्ट कीप इम्प्रूविंग, ओके, कीप एट इट एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। ओके, इट इज अ जोक ओनली। फालतू का इमो मत बना भी, ठीक है? बस फीलिंग्स मत घुसा इसमें। अच्छा, जो लगता है वही बोलता। अच्छा, ओके, लव यू बेबी।